अभी हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इन्फ्लोरेशंस के बारे में कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो मेन एक्सेस है वो ब्रांच्ड होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं और उस पर छोटे छोटे स्मॉल एक्सेस आप कह सकते हैं कि डाटा एक्सेस जो होते हैं उसमें जो फ्लो इन्फ्लोरेशन का पैटर्न है वो ओवरऑल जो है मेन के पैटर्न से भी मिलता जुलता है यानी सब एक्सेस के इन्फ्लोरिशंस पैटर्न और मेन एक्सेस की ओवरऑल इन्फ्लोरेशंस पैटर्न एक जैसी होती है और जो मेन फ्लोरल एक्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं ब्रांचड होता है उसको कहते हैं कंपाउंड इन्फ्लोरिशंस इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें बेसिकली चार डिफरेंट टाइप्स हैं एक है जी कंपाउंड कंपाउंडसीम दूसरी है कंपाउंड कोरियम तीसरी है जी कंपाउंड अम्बेल और फोर्थ है कंपाउंड स्काइप कंपाउंड uh, स्पाइक तो इन टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कंपाउंड इन की जो पहली टाइप है वो है जी कंपाउंड रसीम इसमें क्या होता है कि जी एक मेन जो फ्लोरल एक्सेस है उसकी जो इन्फ्लोशेंस पैटर्न है वो बिल्कुल रसीम टाइप का होता है और उसमें जो डाटर एक्सेस या स्मॉल एक्सेस निकलते हैं वो भी रसीम से मिलते जुलते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो मेन फ्लोरल एक्सेस है वो भी ओवरऑल उसकी लुक रसीम जैसी है और उसमें ये जो डाटर एक्सेस हैं वो भी सारे रसीम की तरह के ही हैं तो ये एक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे सब्स रसीम्स कंबाइंड हैं तो ये कहलाएगा कंपाउंड रसीम कंपाउंड इन फ्लोरिसेंस की जो सेकंड टाइप है वो है कंपाउंड कोरिम इसमें क्या है जी मेन फ्लोरल एक्सेस जो है वो ब्रांचड होता है और उसमें जो फर्दर छोटे छोटे बहुत से कॉरियम्स होते हैं कॉरम्बोज होते हैं जैसा कि हमने इन इन्फ्लोरिसेंस पहले डिस्कस किया है ओवरऑल जो इन्फ्लोरिसेंस है वो भी कॉरम्बोज या कॉरम स्ट्रक्चर की है लेकिन उसमें जो स्मॉल एक्सेस पे फ्लावर्स हैं पैटर्न्स हैं, या सब एक्सेस पे या डाटर एक्सेस पे जो इन्फ्लोर है वो भी बिल्कुल कोरियम पैटर्न की है तो ओवरऑल ये एक कला कंपाउंड कोरियम नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंपाउंड अम्बेल इसमें क्या है जी ओवरऑल इन्फ्लोरेशन स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अम्बेलेट पैटर्न की है अम्बेल पैटर्न की है और उसमें जो सब यूनिट्स हैं सब एक्सेस हैं उनकी पैटर्न इन्फ्लोरिसंेंस भी बिल्कुल अंबेल पैटर्न की है यानी कि आप देखें तो ये ओवरऑल भी अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है और उसमें जो छोटे यूनिट्स हैं वो भी आगे अम्ब्रेला स्ट्रक्चर के बिल्कुल जैसे हैं तो ये होगी कंपाउंड अंबेल। फोर्थ जो टाइप है कंपाउंड इन्फ्लोरिसंेंस की वो है जी कंपाउंड स्पाइक तो इसमें आप देख सकते हैं कि जी स्पाइक की जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन देखी थी कि उसमें सीसाइल फ्लावर्स होते हैं या फ्लोरेट्स होते हैं तो उस वजह से हम उसको आ, स्पाइक कहते हैं और पेडिसलेटेड नहीं होते तो इस डायग्राम में हाइपोथेटिकल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो जो मेन फ्लोरल एक्सेस है वो भी आपको स्पाइक की लुक दे रहा है और जो जो डाटर एक्सेस हैं वो भी बिल्कुल ए, स्पाइक की लुक ही दे रहे हैं स्पाइक का पैटर्न ही है उनमें तो ये ओवरऑल बहुत सारे स्पाइक्स का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है वो भी ओवरऑल स्पाइक की तरह लग रहा है तो सो इट्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्पाइक्स स्मॉल स्पाइक कह लें हम तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड स्पाइक तो ये तो थी डिफरेंट टाइप्स कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस की थैंक यू वेरी मच